पूरा पाकिस्तान बीआरटी बन चुका है। विफाक में आकर इन्होंने पूरा एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया। इन्हें पाकिस्तान पर हुकूमत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक साल में सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए। ये मुल्क और कौम का पैसा जाया कर रहे हैं। इस दौर में माएं अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। 80 करोड़ दरख्तों का पैसा कहाँ गया? मौलाना का हुकूमत से सवाल, बोले हम मैदान में हैं। तहरीक को मजीद आगे बढ़ाना है, इस कले को फतह करने के लिए निकले हैं, पीछे हटने के लिए नहीं। दूसरों के बारे में कहते हैं, हम इनका एहतसाब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और खुद जब फॉरेन फंडिंग केस का एहतसाब आता है तो एहतसाब से भागते हैं। और अब जब तुम्हारी नई हुकूमत आई है तो तुमने पूरा एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया है। ये है तुम्हारा एहतसाब। तुमने कहा हमने सूबे में 1 अरब दरख्त लगाए हैं। 1 अरब दरख्त दिखाओ तो सही, किधर है? तुमने 80 करोड़ दरख्तों का पैसा कहाँ किया? ये तुमसे हिसाब लिया जाएगा। माजी की हुकूमतों के बारे में तो तुमने ये कहा, लेकिन रिपोर्ट ये आई, अपने बारे में क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी हुकूमत पे इस कौम के साथ हो रहा है? ऐसी सूरत हाल में इंशाल्लाह हम मैदान में हैं, और इस मैदान में हम अब फतह के करीब पहुंच रहे हैं। हमने इस तहरीक को और आगे बढ़ाना है, पूरी कौमी यकजहती के साथ आगे बढ़ाना है।